भारत के कई राज्यों में सीएए और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक अनोखी शादी का आयोजन हुआ है, जहां सीएए और एनआरसी का समर्थन करने का एक अनोखा नजारा देखने को मिला है। बता दें कि पूरे शादी समारोह में बैनर पोस्टर लगाकर कानून का समर्थन किया गया है। जी हाँ, इंदौर के लसूड़िया के रहने वाले पूर्व सरपंच दिलीप पवार के लड़के अजय पवार की शादी समारोह को मंच से लेकर दीवारों पर सीएए व एनआरसी के समर्थन में बैनर पोस्टर लगाकर अनोखी शादी बना दिया। भारत में कई लोग नागरिकता कानून के विरोध में कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर बैठे हैं, जो कि इस कानून को बदलना चाहते हैं। लेकिन वहीं भारत में एक पक्ष ऐसा भी है जो इस कानून के समर्थन में खड़ा हुआ है, जो कि पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ ही जनता अलग अलग तरह से इसका समर्थन और विरोध कर रही है। वहीं शादी समारोह में एनआरसी और सीएए के समर्थन में अनोखी शादी समारोह आयोजित हुआ है, जो कि काफी देखने लायक था। समारोह में आने वाले मेहमान भी इन पोस्टरों को देखकर काफी हैरान थे। वहीं शादी समारोह में बीजेपी और कांग्रेस के कई नेतागण भी मौजूद दिखे। हमारा एक बड़ा प्रोग्राम था, उसमें भी है सब व्यवस्था की थी। किस तरह के पोस्टर बैनर लगाया आपने यहाँ? हम नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन करते हैं, क्योंकि सपोर्ट की है और इस काल के लिए हमने आग्रह करा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।